हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर श्वेता अग्रवाल सदनजम हॉस्पिटल से। आज हम बात करते हैं आईवीएफ या इनविट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। ये ट्रीटमेंट आपके लिए जब रिकमेंडेड है, जब आपके दोनों नालियां ब्लॉक्ड है या हस्बैंड के स्पर्म काउंट बहुत कम है और आप काफी समय से प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही है पर कई ट्रीटमेंट्स के बावजूद भी कामयाब नहीं हुई है। इस ट्रीटमेंट में लेडी अपने महावारी के दूसरे दिन हमारे पास आती है। उस दिन हम उसका स्कैन और कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं। उसके बाद आपके अंडे बढ़ने के लिए इंजेक्शंस देते हैं। ये इंजेक्शंस लगभग 8 से 10 दिन दिए जाते हैं। 8 से 10 दिन के बाद जब आपके अंडे रेडी हैं, बिना कुछ कट किए आपके एग्स निकाल लेंगे। उसी दिन आपके हस्बैंड उनका सीमन सैंपल भी देंगे। उसके बाद अंडा और स्पर्म मशीनों द्वारा लेबोरेटरी में हम उसे मिक्स करते हैं और इंक्यूबेटर में उसे डेवलप करने के लिए रख दिया जाता है। लगभग 2, 3 या 5 दिन के बाद आपके एम्ब्रियोस रेडी हो जाएंगे। तब आपके एम्ब्रियोस आपके बच्चेदानी में हम इम्प्लांट कर देंगे। इम्प्लांटेशन के 2 हफ्ते के बाद आपका ब्लड टेस्ट होगा, ये चेक करने के लिए कि अगर आप प्रेग्नेंट है। ये ट्रीटमेंट काफी एडवांस्ड ट्रीटमेंट है और इसमें सक्सेस रेट के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। धन्यवाद।